ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम आप सर्व को आने वाले नए वर्ष की ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं, और उन शुभकामनाओं के साथ इस नए वर्ष को हम एक खुशी के त्योहार के रूप में अपनाएंगे और जीवन के अंदर अपार खुशियों को लाने का यत्न करेंगे, परंतु सफलता के साथ। तो हम इस नए वर्ष में क्या क्या करेंगे, तो एक बार हम अपना ऑडिट कर लें, अर्थात हम अपने दिल दर्पण में या अपने इस साल के जो साल हमारा बीता, उस साल में कौन सी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो हमारे लिए लाभदायी ना रही, या फिर कौन सी ऐसी बातें हुई जिससे हमें नुकसान हुए, या फिर कौन से हमारे नए शत्रु उत्पन्न हुए जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और वो शत्रु क्यों उत्पन्न हुए, तो हमारी ऐसी कौन सी नेगेटिविटी की सोच थी या कौन सी ऐसी नेगेटिविटी की वाणी या वाचा थी, या फिर कौन से ऐसे हमारे नेगेटिव कर्म थे जिन्होंने हमारे मित्र ज़्यादा बनाने के बजाय शत्रुओं को बना दिया। तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि पहले तो हम इस वर्ष के अंदर इस नए वर्ष की शुरुआत के पहले जितना भी हमसे नकारात्मक सोच, बोल और कर्म और व्यवहार हुए हैं, हम उन सभी को डिलीट करेंगे, अर्थात हमेशा के लिए उसको हम खत्म करेंगे। ऑडिट के ऐसे खाते को हम मिटा देंगे और हम अपना इस वर्ष को नया चौपड़ा लिखेंगे, नई किताब, नई सोच, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ हम नई सोच को अपनी मधुर वाणी बनाएंगे। उस मधुर वाणी से हम अपने अच्छे कर्म करेंगे और उन अच्छे कर्मों से हम हरेक के दिल को जीतने का पूर्ण रूप से सफलता के साथ यत्न करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत इस नए वर्ष की अपार खुशियों की शुभकामनाएं और हमारी आपको शुभ भावनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सकारात्मक नए वर्ष की नई नई बातों को लेकर के। अब नया वर्ष हमें कहता है कि जो भी हमारी पुरानी आदतें थी, हम उन आदतों को मिटा दें और अब नई नई वो आदतें डालें जिन आदतों में हमें भी फायदा हो, अन्य को भी फायदा हो, किसी का भी हमारी आदत के कारण नुकसान न हो। अब ऐसी कौन सी आदतें हैं या कौन सी ऐसी हमारे अंदर खराबी है, कमजोरी है या कमी है जिसको हम मिटाएंगे और अपने जीवन के अंदर बदलाव लाएंगे, क्योंकि नया वर्ष नई बातें लेकर के आता है। तो हम भी नई नई बातें अपने जीवन के अंदर करेंगे। अब नई बातों में हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम
परिवर्तन लाएंगे ऐसा दृढ़ संकल्प करें। परिवर्तन हम किन किन बातों में लाएंगे? तो परिवर्तन हम लाएंगे, एक तो हम सदैव अपने स्वभाव को शांत, मधुर और मीठा रखेंगे। दूसरा, हम सवेरे सवेरे जल्दी उठकर और अपने स्वास्थ्य अर्थ जो कुछ भी करना है वो सब हम बातें करेंगे। हम कभी भी किसी भी सकारात्मक कार्य के लिए ना नहीं करेंगे, हर कार्य सकारात्मक करने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे और हाजी करेंगे। इसी प्रकार एक अपना ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे तब तक इन बातों के पीछे मेहनत करनी है जब तक कि मैं अपनी सोची हुई इन आदतों के ऊपर विजय न प्राप्त करूं। अब ऐसी कई छोटी छोटी आदतें हमारे अंदर हैं जिसको नोट करके आप अपने पास लिख करके रखें और लिखने के पश्चात एक बार जरूर उसके ऊपर अपनी नजर भी दौड़ाएं। उसी प्रकार हम नए साल में क्या करेंगे कि हम नए साल में जो भी नकारात्मक संग है हम उनसे अपनी दूरी बनाएंगे। जैसे अभी कोरोना ग्रस्त व्यक्तियों से हम अपनी दूरी बनाते हैं, चाहे कोरोना ग्रस्त ना भी हो तो भी हम दूरी बनाते हैं। ऐसे हम धूम्रपान, नकारात्मक व्यक्तियाँ, ऐसी जो भी व्यक्तियाँ हमारे संग में हैं हम उनसे अपने को बचाएंगे, दूर रखेंगे और हम अपनी अच्छाइयों का संग का रंग उनको लगाएंगे। इसी प्रकार नया वर्ष नई उम्मीदें भी लेकर के आता है, तो हम अपने लक्ष्य में कुछ नई प्रगति की उम्मीदें बनाएं। उसमें बहुत सारी उम्मीदें हो सकती हैं, हम नई कला सीखेंगे, नया बिजनेस करेंगे, हम धन प्राप्ति के लिए भी विविध प्रकार के यत्न करेंगे, हम सभी को सुख देने और दुख न देने की कई बातें भी सोचेंगे, परिवार की प्रगति के लिए भी हम कई बातें सोचेंगे, अपनी व्यक्तिगत कई ऐसी आदतें हैं जिनसे हम स्वयं भी दुखी हैं, परिवार भी दुखी है, तो हम उन आदतों को नोट करके और उन आदतों को मिटाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए विचार के साथ, नए बोलों के साथ, नए अच्छे कर्मों के साथ इस नए वर्ष को। और ये नया वर्ष हमारे इस सपने को या हमारे इस लक्ष्य को लक्ष्य तक हमको पहुंचा दे और हमारा यह सपना पूर्ण करें। और इसके साथ साथ इस साल में हम जो भी करें वो प्रशंसा योग्य करें, हमें सभी का प्यार मिले, सम्मान मिले, रिगार्ड मिले, रिस्पेक्ट मिले, ऐसा हम कुछ करेंगे। अगर हमारे में ईगो है, यदि हमारे में बहुत गुस्सा है, यदि हमारे में बहुत लालच है, यदि हमारे में बहुत आसक्तियाँ हैं, यदि हमारे वृत्तियों में, दृष्टि में और हमारी प्रवृत्ति में यदि किसी विषय विकार की गंदी बात चलती रहती है तो हम स्वयं को उनसे बचाएं, स्वयं को उनसे मुक्त करें। और मुक्त करने की युक्ति होती है, क्योंकि युक्ति से मुक्ति मिलती है। युक्ति क्या है? युक्ति यही है कि हम स्वयं का भी, स्वयं की आत्मा की आवाज़ को सुनें। आप देखते हैं जीवन में कई ऐसी घड़ियां आती हैं जब आत्मा कहती है हमें कि ये नहीं करना चाहिए,
ये मत करो, इसकी रिजल्ट अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए हम वो आवाज़ को सुने और उस आवाज़ पर चलने का यत्न करें, या फिर हमारे बुजुर्ग जो कि अनुभवी हैं, वो अनुभवी जब हमें अपने अनुभव को सुनाकर कोई बात बताते हैं, तो हम ये सोचकर बेपरवाह न बने कि हर एक का भाग्य एक जैसा नहीं होता। इनका भाग्य अपना है, मेरा भाग्य अपना है। बेशक आप सही सोचते हैं, परंतु इसके लिए हम उनकी जो अच्छी बात है, जो उनके अनुभव से गुजरी हुई है, उसको हम नकार नहीं सकते। इसीलिए उनकी बात को भी ध्यान में रखते हुए हम सावधानी पूर्वक हर कर्म को करें, और ये सभी कर्म करने के साथ हमको क्या याद रखना है, यदि हम स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, विजयी बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु का ध्यान रखना होगा। प्रभु का ध्यान रखना माना, प्रभु तो हमारा ध्यान रखते, परंतु जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें उसका ध्यान धरना होगा, अर्थात मेडिटेशन करना होगा। हम मेडिटेशन करेंगे तो हम उस परम पिता परमात्मा से, जो सर्वशक्तिमान है, हम उनसे शक्तियों को अपने में भर सकेंगे, और मेडिटेशन के साथ साथ हम शारीरिक एक्सरसाइज भी यदि करेंगे तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और तन मन की जहाँ स्वच्छता होगी, स्वस्थता होगी, आनंद होगा, एक उमंग होगा, उल्लास होगा, तो जीवन हमारा भी महकेगा और औरों का भी जीवन महकाएंगे। तो आप सर्व को क्रिसमस की बधाई हो। क्रिसमस को यदि हम क से जो टेढ़ी लकीर है नीचे, हम कहें किसमिस, अगर हम किसमिस कहें तो वो एक सूखी हुई अंगूर जो ड्राई फ्रूट में मिलती है, तो वो मीठी होती है। तो हम उसके गुणों को यदि सोचेंगे तो हमारी सोच मीठी हो, हमारी वाणी मीठी हो, वृत्ति मीठी हो, दृष्टि मीठी हो, हमारा आचरण मीठा हो, और हमारा व्यवहार मीठा हो, हमारी दोस्ती मीठी हो, हमारे संबंध मीठे हो, क्योंकि मीठा प्यारा लगता है। तो इसीलिए आप सभी को क्रिसमस की भी मुबारक, और क्रिसमस के इस मीठेपन की भी सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सर्व की जो भी मनोकामनाएं नए वर्ष के लिए है, जो भी आपने नए वर्ष के लिए अच्छी बातें सोची हैं, वो हकीकत बने, आप विजयी रहें, सफलता मूर्त बने, और फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो और अभिनंदन हो। ओम शांति।